नमस्कार। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में इस समय चुनाव का पर्व चल रहा है। मतदान करने जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, आज हम आपको यह बताएंगे। अपना प्रत्याशी चुनने से पहले आपको क्या क्या देखना चाहिए, यह भी जानिए। आइए जानते हैं। रखें, यह मतदान किसी स्थानीय पार्षद या अध्यक्ष का नहीं हो रहा है, इसलिए टूटी सड़कें, पानी, बिजली आदि की व्यवस्थाएं कैसी हैं, कचरा प्रबंधन कैसा है, ये सब स्थानीय प्रशासन के विषय हैं। ठीक इसी प्रकार हम किसी राज्य का मुख्यमंत्री भी चुनने नहीं जा रहे, जिससे कि राज्य के बारे में सोचें। तीसरा, हम किसी जाति या समुदाय का चुनाव नहीं करवा रहे, जिससे कि चुना हुआ जनप्रतिनिधि उसी जाति या समुदाय का ध्यान रखे, वह सबका होता है। हम एक प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं, जो कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। इसीलिए हमें ऐसा प्रधानमंत्री चुनना चाहिए जिसकी तरफ पूरी दुनिया आकर्षित हो और हमारे देश को दुनिया में महत्वपूर्ण स्थान मिले। हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो भारत का नाम दुनिया में ऊंचा कर सके। हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो भारत ही नहीं वरन पूरी दुनिया में फैल रहे आतंकवाद को जवाब दे सके, वह उसको खत्म करने का मजबूत संदेश पूरी दुनिया को दे सके। हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जिससे कि अन्य देश हमें आंखें न दिखा सकें। हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो अथक काम करते हुए भी हमारे देश की जनता को आधारभूत सुविधाएं दे सके। हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जिसके दिल व दिमाग में अपने परिवार समाज की बजाय राष्ट्र प्रथम की भावना हो, जो देश को झुकने नहीं देने की भावना रखता हो। हमें यह अवसर 5 साल में एक बार ही मिलता है, अतः आइए हम सभी इस अवसर का भरपूर उपयोग करें और देश व राष्ट्र हित में नई व मजबूत सरकार के गठन के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें व अपने आसपास सभी का मतदान जरूर हो, यह सुनिश्चित करें। इस महायज्ञ में कोई भी मतदान से वंचित न रह जाए, इसका पूरा प्रयास करें। हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो हमारी धार्मिक भावनाओं की कद्र करे। तो ध्यान रखें, मतदान करते समय इस बात को जरूर सोच लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।